हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग में। यदि आप आईटीआई या डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है आरसीसी ड्रॉइंग। आरसीसी ड्रॉइंग का एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा है जो आपके उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में 2012 में आया था। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक हमारा पेड कोर्स आरसीसी ड्रॉइंग का, हमने एक पेड कोर्स लॉन्च किया है, अगर आप पे करते हैं 149, तो उसमें 149 में हम आपको कंप्लीट आरसीसी ड्राइंग कराएंगे। ठीक है, ये लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराऊंगा यूट्यूब पर ही। ठीक है, मगर आपको अगर कंप्लीट हमारे पूरे के पूरा आपका सिलेबस विद सिलेबस के अकॉर्डिंग आरसीसी ड्राइंग आपको पढ़नी है, तो आप हमारे चैनल हमारा डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिलेगा आपको, वहां पर डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक पर क्लिक कीजिए और पे कीजिए 149 और हम आपको कंप्लीट आरसीसी ड्राइंग पढ़ाएंगे। चलिए, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो ये दो हमारे नंबर है, इन पर आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं पेमेंट करने में अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ा रहे हैं आरसी ड्राइंग का ये क्वेश्चन जो कि 2012 में आया था। चलिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ज्यादा मैं जाऊंगा नहीं, क्वेश्चन को देखो, पढ़ते हैं। यहाँ पर किसी उचित मापक पर एक प्रबलित कंक्रीट धरन का एल सेक्शन आपको क्या बनाना है, एल सेक्शन, तथा मध्य पार्ट पर क्या बनाना है, क्रॉस सेक्शन खींचिए। ठीक है, निम्नलिखित आंकड़े इस प्रकार दिए गए हैं, धरन की माप दी गई है 30 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, शुद्ध पाथ होता है आपका क्लियर स्पान दिया गया है 4.75 मीटर, और दीवार की मोटाई दी गई है आपको 40 सेंटीमीटर, और दीवार पर जो चढ़ा हुआ है बेरिंग ऑफ वॉल यानी कि बीम कितने ऊपर चढ़कर रखी गई है, कितनी रखी गई है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तनन क्षेत्र में 20 mm की चार छड़ों को लगाए। ठीक है, चार छड़े लगाई हमने 20 mm की, जिसमें से 20 mm व्यास की दो छड़ों को टेक के निकट, टेक होता है सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट के निकट मोड़ दिया। ठीक है, और 6 mm व्यास की टू टांग वाली स्टीरप होते हैं छल्ले, टू लैग स्टीरप, ठीक है, वो उनका प्रयोग करें, और 12 mm व्यास की छड़ों को बंधक छड़ होती है आपकी एंकर बार के रूप में प्रयोग करें। नहीं दिया हुआ कोई भी आंकड़ा आप मान लीजिए। ठीक है, नहीं दिया हुआ कोई भी आंकड़ा मान लीजिए, जैसे आपको क्लियर कवर नहीं दिया है, एंड कवर नहीं दिया है, वो हम मान सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए स्केल। ठीक है, आपको क्या आनी चाहिए, स्केल। हमने मानी स्केल 1 cm इक्वल टू 20 cm के। मैंने सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले स्केल आपको ले लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो एक्चुअल डायमेंशन है वो ड्राइंग शीट पर आप शो नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्केल मानी। तो हमने स्केल मान ली, तो हम ले लेते हैं सबसे पहले क्लियर स्पान। भाई क्लियर स्पान हमें कितना दिया गया है, क्लियर स्पान दिया गया हमें 4.75 मीटर। इसको मैंने सेंटीमीटर में चेंज किया तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 475 सेंटीमीटर, और इसको डिवाइड किया मैंने स्केल से, जो मैंने स्केल ली है स्केल से डिवाइड कीजिए, मैंने 475 को डिवाइड किया 20 से, तो मेरे पास आ गया 23.75 सेंटीमीटर। तो आपका क्लियर स्पान कितना है, 23.75 सेंटीमीटर स्केल में चेंज करने के बाद। 23.75 सेंटीमीटर क्या है, ये होता है वॉल के इनर कॉर्नर से लेकर दूसरी वॉल के इनर कॉर्नर के बीच का जो स्पान होगा, बीच की जो दूरी होगी, यानी कि एक वॉल इस साइड में, एक वॉल इस साइड में, समझो मेरी बात, एक वॉल इधर है और एक वॉल इधर है, इन दोनों के बीच की इनर कॉर्नर तक के बीच की दूरी, इसी को हम बोलते हैं क्लियर स्पान। ठीक है, और यही दिया गया है, यही हमने निकाल लिया, 4.75 मीटर था ना, तो स्केल में कन्वर्ट करने के बाद ये हमारे पास 23.75 सेंटीमीटर। तो अब आपको करना क्या है, स्केल को कीजिए 0 पर सेट, स्केल मैंने 0 पर सेट की, 0 पर सेट करने के बाद आपको यहाँ से एक पॉइंट यहाँ लगाइए और 23.75 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ी सी और बढ़ा के दिखा देता हूँ आपको, कि जिससे आपको क्वेश्चन को करने में दिक्कत ना हो। तो हमने क्या किया, थोड़ी और स्केल को बढ़ा के लिया और ये बनाया, तो हमारी यहाँ से ले गए यहाँ तक बना 23.75 सेंटीमीटर है। अब वॉल का इनर कॉर्नर यहाँ पर दिखाओ और वॉल का इनर कॉर्नर यहाँ पर दिखाओ। ठीक है, अब देखते हैं दीवार की मोटाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर। दीवार की मोटाई है 40 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड करो स्केल से, स्केल हमारी 20 हो गई, तो कितना जाएगा हमारे पास, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर आपको इधर लेना है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर आप क्या किया, 2 सेंटीमीटर आप इस साइड लेकर गए और नीचे से कॉन्टिन्यूस किया।
ठीक है, और इस साइड भी 2 सेंटीमीटर आप लेकर गए, ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, आप 2 सेंटीमीटर इस साइड लेकर गए और नीचे से वॉल को कर दिया कॉन्टिन्यूस, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, ये आपका क्या था, क्लियर स्पान है, क्लियर स्पान कितना 23.75 सेंटीमीटर, जो स्केल में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आया था, जबकि एक्चुअल कितना हमारे पास क्लियर स्पान 4.75 मीटर था, ठीक है। अब देखो, अब हम देखते हैं कि हमें बीम कितनी चढ़ानी है। यहाँ पर देखो, बेयरिंग ऑन वॉल चढ़ाव कितना दिया 25 सेंटीमीटर, तो क्लियर स्पान है वॉल की, मैं 25 सेंटीमीटर इधर जाऊँ और 25 सेंटीमीटर इधर, तो 25 सेंटीमीटर को मैंने डिवाइड किया 20 से, तो 25 को डिवाइड कीजिए 20 से, तो 25 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 1.25 सेंटीमीटर। तो आपको 1.25 सेंटीमीटर इस साइड लेकर जाइए अंदर वॉल के, और 1.25 सेंटीमीटर इस साइड लेकर जाइए, तो मैं 1.25 सेंटीमीटर इस साइड लेकर गया वॉल की ओर अंदर की ओर, और 1.25 सेंटीमीटर अंदर लेकर गया इस साइड में, ठीक है। ये हो गया हमारा चढ़ाव, कितना 25 सेंटीमीटर का, 25 सेंटीमीटर का चढ़ाव हो गया, ठीक है, क्लियर स्पान के बाद, समझ रहे, बस आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। अब देखो, अब हम बात करते हैं डेप्थ ऑफ बीम, बीम की डेप्थ कितनी है, ओवरऑल डेप्थ कितनी दी गई है, विड्थ तो होगी 30 सेंटीमीटर, डेप्थ होगी 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर को मैंने डिवाइड किया 20 से, 50 को मैंने 20 से डिवाइड किया, तो मेरे पास कितना आ गया 2.25, कितना आ गया, 50 को डिवाइड कीजिए, 50 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 2.50, ठीक है, 25 आ गया, तो आपने लिया 2.50 ऊपर लेकर गए, 2.50 लेकर गए ऊपर, ये 2.50 लिया और यहाँ से बीम का बॉक्स बनाया, जो बीम का बॉक्स बनेगा आपने क्या किया, 2.50 ऊपर लेकर गए, ठीक है, इस साइड से भी 2.50 सेंटीमीटर ऊपर लेकर जाइए, और बीम का ये बॉक्स कंप्लीट हमने किया, ठीक। और जो वॉल थी एक्स्ट्रा बच गई, पीछे जो वॉल बच गई थी उसको लेकर जाइए ऊपर तक, समझे मेरी बात। अब इस साइड भी जो वॉल बची हुई थी उसको भी हम ऊपर लेकर गए और यहां तक बनाया, क्लियर। अब देखो, ये हमारी क्लियर स्पान, आप बात करते हैं हम क्वेश्चन की, तो यहां से लेके यहां तक मेरा क्या है, क्लियर स्पान है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक मेरा क्या है, क्लियर स्पान है, तो मैं बात करता हूं इसकी, ये मेरा क्लियर स्पान, क्लियर स्पान कितना है 4.75 मीटर, क्लियर। अब देखो, यहां तक आपकी क्या दिया गया, बेरिंग ऑन वॉल, यहां तक आपका क्या है, बेरिंग ऑफ वॉल, दीवार पर चढ़ाओ 25 सेंटीमीटर, मैं आपको शो कर देता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ये है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, चढ़ाओ, बेरिंग ऑन वॉल, बेरिंग ऑन वॉल, ठीक है, एक साइड दिखा देता हूं मैं, दूसरी साइड मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, बस मैं दिखा देता हूं यहां से लेके यहां तक का चढ़ाओ, ये है आपका चढ़ाओ, ठीक है, कितना 25 सेंटीमीटर, इस बारे में बात होगी। अब हम बात करते हैं आगे, अब हम बात करते हैं आगे, अब हम क्वेश्चन में आगे चलते हैं, 4 तनन छड़े है 20 mm डाई की, ठीक है, तो 20 mm डाई का डालने के लिए आपको क्या चाहिए, क्लियर कवर, क्या चाहिए आपको, क्लियर कवर मानना होगा, एज्यूम किया करना होगा। अब देखो आपको डालनी है तनन छड़े डालने के लिए आपको एज्यूम करना होगा, एज्यूम मतलब माना क्या, क्लियर कवर आपको दिया नहीं गया है, तो क्लियर कवर आप मानेंगे 20 mm का आपका क्लियर कवर है, ठीक है, और उसी के साथ मानेंगे आप एंड कवर आपको आपने मान लिया 40 mm, 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को आप स्केल में कन्वर्ट करोगे तो 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, तो 2 mm लेना है आपको, तो 2 mm नीचे से आपने छोड़ा, यहां पर 2 mm नीचे से छोड़ने के बाद आपने क्या किया, बार ऐसे डाल दी टेंशन में, ठीक है, तनन छड़ को मेन बार बोलते हैं, और इस बार को आगे लेकर गए और इस साइड से आपको 40 mm का, 40 mm यानी कि 40 mm के 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर को 20 से डिवाइड करोगे जो स्केल थी, तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.4 सेंटीमीटर यानी कि 4 mm, तो इस साइड से आपको 4 mm छोड़ना है,
इस साइड से आपको कितना छोड़ना है 4 mm, और 4 mm छोड़ने के बाद हुक यहाँ पर बना देना है। 4 mm इस साइड से भी छोड़िए, 4 mm इस साइड से भी छोड़ने के बाद आपको क्या बना देना है, हुक बना देना है। 4 mm का यहाँ पॉइंट लगाया और आपने हुक बना दिया यहाँ, ठीक है। ये आपकी हो गई टेंशन बार। अब ऐसी डालनी है आपको, ऐसी डालनी है आपको एंकर बार। एक बार ऐसे दिखाइए, ऊपर का और छोड़िए, कितना 2 mm का, 2 mm का कवर छोड़ने के बाद ये स्केल थोड़ी सी डिसबैलेंस हो रही है, ठीक है। स्केल का थोड़ा ध्यान दे लेना, एक मिनट, स्केल थोड़ी गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ से आपने इसको लेकर गए आगे ऐसे, और यहाँ पर एंड कवर छोड़ दिया 4 mm का, 4 mm का एंड कवर छोड़ के हुक बनाया। सेम ऐसे ही इस साइड लेकर आइए और 4 mm का एंड कवर छोड़ के हुक बनाया, क्लियर। 4 mm का एंड कवर छोड़ के हुक बनाया, ठीक है। नीचे से अब देखो, नीचे से अब देखो, ये आपका क्या है यहाँ पर, ये है आपका क्लियर कवर। हम पहले शो कर लेते हैं, ये आपका क्लियर, सॉरी यहाँ दिखा देता हूँ नीचे, क्लियर कवर। क्लियर कवर कितना है आपका 20 mm का, 20 mm का है, ठीक है। और ये बार कौन सी है, ये बार कौन सी है, ये आपकी टेंशन बार लिखा है, टेंशन बार कितनी 20 mm, कितनी 4 numbers, 4 numbers है, और कितने 20 mm डाई की, विद इसमें क्या है, विद 2 bar क्या है, बेंटअप, बेंटअप, ठीक है। 2 bar कैसी है, बेंटअप है, और बेंटअप बार कहाँ आती है, बेंटअप बार होती है L/7 पर, L/7 कहां से दिखाना है आपको, ठीक है। L/7 होता है बेरिंग का हाफ, L/7 क्या होता है, L/7 आप L कहां से लेते हैं, ठीक है, L का जो ये आपका होता है, L होता है आपका इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव स्पान। तो ये होता है L/7 क्या होता है, इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान क्या होगा, कंप्लीट कितना है, क्लियर स्पान कितना आपका, क्लियर स्पान आपका 4.75 meters, ठीक है। अब देखो 25 सेंटीमीटर इधर और 25 सेंटीमीटर इधर, 25 का कर दो हाफ, 25 का बेरिंग ऑन होल का हाफ करो, 25 सेंटीमीटर का हाफ किया आपने तो कितना आ गया पास, आपके पास आ गया 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 इधर से, 12.5 इधर से, तो कितना आ जाएगा टोटल 25 सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो तो यहाँ पर दशमलव लगाइए, 2.5 इसमें और जोड़ दिए तो आपके पास कितना आ जाएगा 5 meters, ठीक है। तो ये होगा आपका 5 meters, क्या आ जाएगा L, L कितना आ गया आपके पास 5 meters, मेरी बात समझे, L कैसे निकाला मैंने, L समझ गए हम कैसे निकाला, क्योंकि हमें लेना था L/7, L/7 में L मेरे पास आया 5 meters, 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से तो 500 आ गया, इसको डिवाइड किया मैंने 7 से तो 500 divided by 7 इज इक्वल टू आया 71.420, और इसको डिवाइड किया मैंने किससे, स्केल से, स्केल मेरे पास है 20, तो 20 से मैंने इसको डिवाइड किया स्केल में, स्केल में कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास आया 3.57 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, बेरिंग ऑन वॉल है जो, इसका हाफ किया तो इसका हाफ आया यहाँ, और यहाँ से लाइन आपने ड्रॉ की, और यहाँ से कितना दिखाया 3.75, तो यहाँ से आपने 3.75 का पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट मार्क किया 3.75 का यहाँ तक, और इस पर लिख दिया L/7, इस पर क्या लिख दिया L/7, और स्केल को कीजिए 45 डिग्री पर सेट। स्केल को कितने पर सेट करनी है आपको, 45 डिग्री पर, स्केल को 45 डिग्री पर सेट किया और यहाँ से आपने एंगल बना दिया ये, और ये बन गई आपकी बेंटअप बार। ये 2 numbers ऑफ बेंटअप बार आपने दिखाया, फिर सेम ऐसे ही स्केल को 0 पर सेट कीजिए। आपने बेरिंग ऑफ वॉल थी जो, उसका हाफ किया, यहाँ पॉइंट लगाया, ये बैठा हमारा बेरिंग ऑफ वॉल, और यहाँ से लिया आपने L/7, तो ये बैठेगा यहाँ, ये बैठेगा यहाँ पर, ठीक है। बेरिंग ऑफ वॉल का हाफ जरूर करना है, ये ध्यान रख लेना, हाफ 25 का, यानी कि हाफ 12.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से अब बनाइए 45 डिग्री पर एंगल, अब बना दीजिए 45 डिग्री पर एंगल, और ये आपका बना ये, और ये थी आपकी बेंटअप बार, ये आपकी क्या है, ये आपकी बन गई बेंटअप बार। अब इसमें डाल देते हैं स्टीरअप,
ये ऐसे जो जा रही है 45 डिग्री पर, जो हमने बैंड की 45 डिग्री पर, जो हमने बैंड की है, ये है बेंट अपर, 45 डिग्री पर बैंड होगी। मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ जबकि आपको शो करके नहीं दिखाना एंगल, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको स्टीरअप्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। 2 लाख स्टीरअप, 2 लाख 6 mm डाई की 2 लाख स्टीरअप प्रोवाइड करने हैं। अब 2 लाख स्टीरअप के बीच की स्पेसिंग आपको नहीं दी, तो मैं ले रहा हूँ 200 mm, मैं कितनी ले रहा हूँ 200 mm। तो आपको क्या करना है, जो हमारी ये लेंथ है, जो हमारी ये लेंथ थी क्लियर स्पान का हाफ करना है आपको, ठीक है। क्लियर स्पान का हाफ करना है और यहाँ पर पॉइंट लगाइए और यहाँ से एक स्टीरअप प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक। अब मैं सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ले रहा हूँ 200 mm, 200 mm यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो इनके बीच की स्पेसिंग कितनी हो जाएगी, 1-1 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो 1-1 सेंटीमीटर पर आप क्या प्रोवाइड कर देंगे, स्टीरअप प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। 1-1 सेंटीमीटर पर आपने क्या प्रोवाइड की, स्टीरअप प्रोवाइड कर दी। ऐसा आप स्टीरअप प्रोवाइड कर सकते हैं, कितने पर, 1-1 सेंटीमीटर स्पेसिंग पर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर, 20 सेंटीमीटर के, यानी कि 200 mm के। तो ऐसा आपने क्या किया, स्टीरअप्स प्रोवाइड कर दी 1 सेंटीमीटर पर। फिर इधर भी 1 सेंटीमीटर की स्पेसिंग ली और स्टीरअप्स प्रोवाइड कर दी। ये आपकी है 2 लाख स्टीरअप, ठीक है। मैं देखो डायरेक्टली बस बना रहा हूँ, आपको एक्चुअल में पूरी शो करके दिखानी है। मैं यहाँ पर डिस्टेंस मेजर नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट बस आपको दिखा रहा हूँ कि स्टीरअप्स हमारी कैसे प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब आप शो कर सकते हैं, ये जो है ऊपर क्या है, एंकर बार, ऊपर क्या है, एंकर बार, और एंकर बार उसने क्या दिया है, 12 mm डाई की, टू नंबर से 2 बार है, कितने की, 12 mm डाई की, 12 mm डाई की, ठीक है। अब देखो, अब इसी के साथ स्टीरअप्स आप शो कर सकते हैं, जो ये है, ये क्या है, ये क्या है भाई आपकी, ये आपकी स्टीरअप्स है, यहाँ से लेके यहाँ सेंटर टू सेंटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की स्पेसिंग ये और ये ऐसे अगर मैं शो कर दूँ तो आप ऐसे शो कर सकते हैं। ये क्या है, ये देखिए 6 mm डाई की 2 लाख स्टीरअप, कितना, ये है आपकी स्टीरअप। मैं लिख सकता हूँ स्टीरअप्स कितना, 6 mm डाई की, और क्या, 2 लैग्ड क्या है, स्टीरअप्स, ठीक है। और कितना स्पेसिंग लिया हमने, 200 mm सेंटर टू सेंटर, 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। आप शो कर सकते हैं स्टीरअप्स 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अब जो ये आई, ये आपकी क्या है, इसको ये क्या आपकी बेंट अप बार, ये आपकी क्या है, बेंट अप बार, बेंट अप बार, ठीक है। बेंट अप बार उसने दी गई है, ठीक है, बेंट अप बार उसने दे रखी है, यहां पर 20 mm डाई की है। तो आप डाया दिखा सकते हो, इसको मैंने नीचे से रख किया, आप यहां पर दिखा दो या यहां पर दिखा दो, 20 mm डाई की, 20 mm डाई की है ना, 2 नंबर, ठीक है। अब देखो, ये मेरा बना क्या, एल सेक्शन, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये मैंने बनाया एल सेक्शन। क्वेश्चन को पूरा समझना, ये हमने क्या बनाया, ये हमने बनाया एल सेक्शन, मगर उसने एक चीज और पूछी है, क्या पूछा है, मध्य पार्ट पर क्रॉस सेक्शन। तो मैंने क्या किया, मैं मिड स्पान से लिया और इसकी कटिंग कर दी, मिड स्पान पर गया और यहां पर कटिंग कर दी मध्य पार्ट पर, और मैं सेक्शन शो कर दिया, ये सेक्शन है मेरा, ये सेक्शन है मेरा ए ए सेक्शन, ए सेक्शन, ये मैंने ए सेक्शन शो किया, और ए सेक्शन पर यहाँ पर कटिंग करने के बाद मुझे क्या दिखाई दिया, उसकी धरन की चौड़ाई और उसकी गहराई दिखाई दी। धरन की चौड़ाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर को मैंने स्केल में कन्वर्ट किया, 30 सेंटीमीटर को मैंने स्केल में कन्वर्ट किया, तो मेरे पास 1.5 आया, 1.5 मैंने ऐसे लिया, और 50 सेंटीमीटर को भी मैंने 20 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास 2.5 आया, तो 2.5 मैंने ऐसे लिया, ठीक है, 2.5 मैंने ऐसे लिया डायरेक्ट, एक मिनट, 2.5 पैसे लेना है, 1.5 पैसे लेना है, और यहां पर ये बना दीजिए कंप्लीट, ठीक है। अब देखो, ये क्या है, ये है विड्थ ऑफ बीम, बीम की विड्थ कितनी है, बीम की विड्थ दी है 30 सेंटीमीटर, मैंने बनाया,
और ये आपकी क्या है, ये है ओवरऑल डेप्थ किसकी, धरन की, कितनी, 50 सेंटीमीटर ओवरऑल डेप्थ शो कर सकते हैं आप, ठीक है। आपको दिखाना है 50 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो, अब ये इधर भी, इधर क्या है, क्लियर कवर, क्लियर कवर 20 20 mm का, और यहां पर क्या है, ये है एंड कवर, ये है एंड कवर, कितना लिया, 40 mm का। तो आपको 20 mm का क्लियर कवर दिखाई दे रहा है, तो 20 mm यानी कि 2 2 mm, तो आपको करना क्या है, 2 mm इस साइड छोड़िए, 2 mm इस साइड छोड़िए, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, बस 2 mm इस साइड छोड़िए और 2 mm भी ऊपर की साइड छोड़िए, और क्या कीजिए, यहाँ पर हुक प्रोवाइड कर दीजिए, यहाँ पर हुक प्रोवाइड कर दीजिए, इसको इधर से मोड़ दीजिए, इधर से इसको मोड़ दीजिए, ऐसे। अब देखो ये इस स्टीरियम में, जब आपने इसको मिड पॉइंट से, मध्य पार्ट से काटा, मध्य पार्ट से काटने पर आपको क्या, नीचे कितने सरी दिखाई दे रहे हैं, नीचे कितने सरी दिखाई, तनन क्षेत्र में 4 छड़ी दिखाई दे रही है, तो एक छड़ आपको यहाँ दिखाई दे रही है, एक छड़ यहाँ दिखाई दे रही है, और एक यहाँ पर, और एक छड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और 2 छड़े कहाँ, एंकर छड़े ऊपर दिखाई दे रही है, बंधक बार 2 छड़े दिखाई दे रही है ऊपर, तो ये दोनों क्या है, ये है आपकी एंकर बार, कितनी, 12 mm आएगी, ये कैसी बार थी, एंकर बार किसकी, 2 नंबर्स 12 mm हाई, और ये क्या है आपकी, ये क्या है आपकी, ये आपकी मेन बार, या जिसको हम टेंशन बार भी बोल रहे हैं, टेंशन बार कितनी, 4 नंबर्स, 4 नंबर्स है, और कितने एमएम डाएगी, 20 mm डाएगी, 20 mm डाएगी, और इसमें दो क्या है, विद 2 बेंटअप, 2 बार क्या है, बेंटअप, ठीक है। और ये सेक्शन कैसा बनाया हमने, ये सेक्शन कैसा बनाया हमने, ये सेक्शन हमारा, ये हमारा क्रॉस सेक्शन, ये हमने क्या बनाया, ए ए का क्या है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन, ये हमारा क्या है, ए ए का क्रॉस सेक्शन है, सिर्फ उसने मध्य पार्ट पर क्रॉस सेक्शन पूछा है, आपका सपोर्ट के पास नहीं पूछा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन जो 2012 में आया था, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा यहाँ पर, इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से प्रैक्टिस कीजिए, और हमारे जो हमने पेड कोर्स लॉन्च किया है उसको दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, और उसको कोर्स को खरीदिए भी, क्योंकि हम उसमें आपको विद सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपका सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट आरसीसी ड्राइंग वहाँ पर आपको कराएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।